दोस्तों अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहले अप्लाई करने का तरीका दूसरा था और अब अप्लाई करने का तरीका दूसरा है। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है, फिर भी इस सेटिंग को, जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ, इस सेटिंग को ध्यान पूर्वक कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए। अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है तो इनेबल नहीं होगा, कतई होगा ही नहीं इनेबल, ठीक है। अगर इनेबल है तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ इसको इनेबल कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सब कुछ इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लिया हूं, ठीक है, और जो मैं सेटिंग इनेबल करने के लिए बोल रहा हूं बगल में दिखाई देगा, आप उसको देख के इनेबल कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तब भी, नहीं मोनेटाइज है तब भी। सबसे पहले दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है www.youtube.com, ठीक है, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट मिलेगा, ठीक है, थ्री डॉट पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेना पड़ेगा, क्लिक कर देंगे तो पूरा लैपटॉप की तरह ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर अपने लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मैंने लोगो पर क्लिक किया, ये ऑप्शन बन के आ गया, ये मेरा दूसरा चैनल है, मैं मेन चैनल को ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेन चैनल ओपन हो जा रहा है, टेक्निकल विद आशीष। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोगो पर क्लिक करना पड़ेगा और योर चैनल पर क्लिक करना पड़ेगा। यही चीज मेन मिस्टेक करते हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद जो इनेबल करने वाला सेटिंग है उसको बता रहे हैं, ठीक है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ जगह ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब कहाँ पर जाना है जिससे कि आपको वो सेटिंग इनेबल कर ले, फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ चैनल पर आएंगे, चैनल के बाद दोस्तों फीचर्स एलिजिबिलिटी पर आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, देखिए एडवांस फीचर्स, तीसरा नंबर जो है एडवांस फीचर्स, यहाँ पर इनेबल है, ठीक है, यहाँ पर इनेबल है। ये आपका अगर इनेबल नहीं है, चैनल मोनेटाइज हो चाहे ना हो, ठीक है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है फिर भी इसको इनेबल कर लीजिएगा, और चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर भी इनेबल कर लीजिएगा। और इसको कैसे इनेबल करते हैं आप YouTube पर वीडियो सर्च कर लीजिएगा, हाउ टू इनेबल एडवांस फीचर्स ऑफ YouTube, ऐसे करके सेटिंग करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये फंक्शन इनेबल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एक दिन में इनेबल करना है तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन 30 सेकंड का वीडियो ऐसे करके मांगेगा डायरेक्ट लाइव, ठीक है, उसको कर सकते हैं। और मेरी मानिए तो आप वैलिड आईडी से इसको वेरिफिकेशन करिएगा, आपने पैन कार्ड अपना फोटो नहीं खींचना, पैन कार्ड ले लीजिएगा और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको एक मेल आएगा, मेल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फोटो खींचने वाला ऑप्शन आ जाएगा, उस पर ऐसे ही क्लिक किए रहेंगे तो आप उसके बाद उस फोटो का ऐसे कैप्चर कर लीजिएगा, आपका 12 घंटे से 24 घंटे में आपका ये फीचर्स इनेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चैनल मोनेटाइज है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पर आना है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो जो इस वीडियो को देखेगा वो सावधानी पूर्वक अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल के लिए अप्लाई करके कैसे इनेबल किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ओपन करना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर, ये देख रहे हैं क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा दोस्तों www.youtube.com, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर www.youtube.com आसानी से सावधानी पूर्वक आपको सर्च करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे से सर्च पर क्लिक कर देना है, नीचे जो एरो का ऑप्शन है इसी पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। पर उसके बाद दोस्तों ऊपर राइट साइड कोने में तीन बिंदी दिख रही है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों डेस्कटॉप साइट
पर क्लिक कर देना पड़ेगा तो आपका जो फंक्शन है पूरा लैपटॉप की तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों ऊपर जो राइट साइड कोने में चैनल का लोगो बना हुआ है उसी चैनल के लोगो पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर योर चैनल पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। आप सुनते जाइए, कस्टोमाइज चैनल पर आप क्लिक करना पड़ेगा, पहला जो नीला कलर है कस्टोमाइज, कस्टोमाइज करके कुछ लिखा हुआ है कस्टोमाइज, ठीक है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ जिससे कि आपको सावधानी पूर्वक समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो आप लोग बाद में बोलेंगे कि कुछ ना कुछ छूट गया है, कैसे ओपन हुआ। अब आपको देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन बना हुआ है डॉलर का, इसी पर सिंपली ओपन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चारों क्राइटेरिया जो है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, टू स्टेप वेरिफिकेशन और कम्युनिटी गाइडलाइन, शायद चारों टिक है। अब आपको सीधे अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन देखिए स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। अब पहले वाले स्टेप वन पे आपको नीचे दिखाई देगा स्टार्ट पर, ठीक है, तो स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आप इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाइए। फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन एक मिलेगा टिक करने का, एक टिक है एक टिक नहीं है, तो सिंपली आपको यहीं से टिक कर देना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए सब कुछ मिसलीडिंग, आपको यहीं पे सिंपली टिक करना होगा। टिक करने के बाद दोस्तों आपके नीचे बगल में ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ ही सेकंड में आपका पहला स्टेप डन हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेप डन हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप डन दिखाने के बाद दूसरा स्टेप को इनेबल करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है नेट की स्लो की वजह से, नेट स्लो है इसीलिए। अब देखिए पहला स्टेप डन हो गया है, अब जो दूसरा स्टेप है इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको अपना आधार कार्ड का एड्रेस जो है पीछे साइड लिखा रहता है उसको लेके बैठ जाइए। अब सेम टू सेम स्टार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, इसी पर बॉक्स में बन के इसी पर क्लिक करेंगे, और आपका अगर कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बना है तो बीच वाला नो नो पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, फिर उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल बना हो उसी पर क्लिक कर देना पड़ेगा। मैंने एक ही ईमेल आईडी अभी बनाया है तो इस पर मैंने एक ईमेल आईडी है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आना है और नीचे आपको सेलेक्ट करना होगा, नीचे देखिए एक्सेप्ट एसोसिएशन, इसी पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है, तो एक्सेप्ट एसोसिएशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ दूसरे तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये देखिए जैसे ही क्लिक किया मैंने दूसरे तरह का इंटरफेस खुलकर आ रहा है, और आपको यहाँ पर ऊपर तीन बिंदी पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पर ओपन करना है, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है डेस्कटॉप साइट पर ओपन रहेगा। और यहाँ पर देखिए नाम लिखा है अंकित, और यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट है, और यहाँ पर जो आपका नेम एंड एड्रेस है इसी को फिल करना है, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों अंकित सिंह नाम है, इंडिविजुअल अकाउंट है, यहाँ पर नेम एंड एड्रेस यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, तभी हमारा दूसरा स्टेप क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे नाम, जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा वही आपको नाम फिल करना पड़ेगा, और जो आधार कार्ड में दूसरे साइड जो होता है एड्रेस होता है वही आपको फिल करना पड़ेगा, सेम टू सेम, ठीक है दोस्तों। देखिए अंकित सिंह अगर नाम नहीं लिखा होगा, अगर आपके चैनल का नाम लिखा होगा तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, एडसेंस अकाउंट बन रहा है दोस्तों जिससे कि आपके अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है, अंकित सिंह आप अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ जो एड्रेस लाइन वन है तो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है सेम टू सेम वही एड्रेस आप यहाँ पर फिल करिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा एड्रेस और पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट और सिटी और स्टेट सब मैंने फिल कर दिया है, और पिन कोड भी मैंने डाल दिया। आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरे तरह का इंटरफेस खुलकर आने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर से वेरीफाई नहीं है तो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। फ़ोन नंबर डालने से पहले अगर आप इंडिया के हैं तो +91 आपका जो कोड है वही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्री देखिए ये नीचे लगा है प्लस साइनिंग फॉरवर्ड बाय कंट्री, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया जैसे ही ये हुआ नहीं, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर के सामने उसके आगे हमको लगाना पड़ेगा +91। जैसे ही +91 लिखेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे
और उसके बाद देखिए जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे हमको मोबाइल नंबर में इसी मोबाइल ये मोबाइल नंबर इसी में लगा हुआ है वैसे ही तुरंत वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा 6 अंक का, तो तुरंत यहाँ पर फिल करके मैं यहीं पर वेरिफिकेशन कर दूंगा इसका, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद देखिए कोड आ गया है 058982 ये आ गया है। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब आपको रिडायरेक्ट पर क्लिक नहीं करना है, यही ध्यान देना है, क्लिक कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ करना नहीं है। अब आपका दूसरा स्टेप आपका यहाँ पर इन प्रोग्रेस हो जाएगा। अब जैसे ही कुछ टाइम 1-8 मिनट 10-15 सेकंड वेट करेंगे तो वो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि ये देखिए हमारा दूसरा स्टेप जो है अब यहाँ पर कुछ ही सेकेंडों में यहाँ पर इन प्रोग्रेस हो जाएगा और 12 से 24 घंटे में आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो जाएगा और तीसरा स्टेप जो है ऑटोमेटिक इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको YouTube की तरफ से कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के हिस्सेदार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी अब मैं आपको बताऊँगा कि मोनेटाइज इनेबल होने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है।